नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। झारखंड में एक युवती प्लास्टिक बैन कराने के लिए पुलिस वालों से उलझ गई। दरअसल धनबाद नगर निगम कार्यालय में बुधवार को एक युवती ने प्लास्टिक को बैन कराने के लिए जमकर हंगामा किया और पुलिस तक से भिड़ गई। इस दौरान महिला पुलिसकर्मी और नगर निगम के सुरक्षा कर्मियों के साथ युवती की तीखी बहस हो गई। बात धीरे धीरे हाथापाई तक पहुंच गई। इधर इस हंगामे के कारण धनबाद नगर निगम कार्यालय में लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान कार्यालय में काफी देर तक अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। दरअसल प्लास्टिक बैन करवाने के लिए आक्रोशित युवती नगर निगम के कार्यालय पहुंची। प्लास्टिक पर बैन लगाने को लेकर युवती ने नगर निगम आयुक्त को भी दोषी बताया। उसने पुलिस कर्मियों सुरक्षा कर्मियों से बात करते हुए कहा कि आपका कमिश्नर अनपढ़ है क्या? उन्हें प्लास्टिक का नुकसान नहीं दिख रहा है। वह लगातार आयुक्त से मिलने की बात भी कह रही थी, लेकिन वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे आयुक्त से मिलने नहीं दिया। बताया जाता है कि जब युवती को आयुक्त से नहीं मिलने दिया गया तो वह और ज्यादा नाराज हो गई और वहां हंगामा करने लगी। उसने निगम गेट के सामने हाथ में लिए पॉलिथीन की थैलियों को दिखाना शुरू कर दिया। साथ ही पॉलिथीन के थैलियों को कार्यालय परिसर में ही जमा करने लगी। इसको देखकर जब वहां पर मौजूद महिला सुरक्षा कर्मियों से समझाने पहुंची तो युवती सुरक्षा कर्मियों से ही भिड़ गई। महिला पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई पर उतारू हो गई। काफी देर तक युवती वहां पर हंगामा करती रही। इस दौरान निगम के द्वारा पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद पिंक पेट्रोलिंग की टीम मौके पर पहुंची, जिनके सामने भी युवती सुरक्षा कर्मियों पर हाथापाई का आरोप लगाते दिखी। बार बार नगर निगम पर शहर में गंदगी फैलाने का आरोप भी लगाती रही और धनबाद में पॉलिथीन पर बैन लगाने की मांग करती दिखी। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।